सर एक मेरा भी सवाल है। अच्छा प्लीज सर, सवाल ये है कि सर लव एंड रिलेशनशिप सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? लव एंड रिलेशनशिप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो फिर तो मेरा रिलेशन होगा। तुम अपना बोलो ना, तुमको क्या मतलब, क्या मेन तुमको क्या प्रॉब्लम लगता है? सर ऐसा तो मतलब जैसे कि हमारी आजकल सोसाइटी पे ना कि मतलब काफ़ी ठीक है, अच्छा भी है एक तरफ, लेकिन एक तरफ काफ़ी नेगेटिव पार्ट ज़्यादा हो गया है। मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, मतलब एक एक पर्सन काफ़ी लोगों को चीट कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है, तो मतलब ऐसा क्यों? नहीं नहीं, फिर वो लोग क्या कर रहे हैं उसको तुम छोड़ दो ना, तुम अपनी बात करो, तुम्हारा एक्चुअल क्या सोसाइटी को हटा। हाँ सोसाइटी क्वेश्चन, सोसाइटी मतलब तुम ही हो सोसाइटी, रिप्लेस कर देते हैं हम जो है ना, हम ही, हमको जो दिख रहा है इस दुनिया में वो तमाम चीजें हमारे अंदर है, हम ही हैं सोसाइटी। इसलिए ये बहुत आसान है ये बोल के कि सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, तो हम ना अपने आप को काट लेते हैं, सोसाइटी को अलग कर देते हैं। वी आर सोसाइटी, हम भी सोसाइटी के ही हिस्से हैं, और ये जब स्वीकारेंगे तभी देखने लगेंगे कि हमारे अंदर क्या क्या है जो सोसाइटी ने हमको पॉल्यूटेड किया है। जो क्या सोसाइटी मतलब, जो इन नेचुरल थोपा गया है सोसाइटी, मतलब यही कि आप होने के लिए कुछ और आए हैं और आपको कुछ और बना दिया गया है, उसको कहते हैं सोसाइटी। तो तुम अपना सवाल पूछो कि तुम्हारा क्या सवाल है, तुम्हारा किसी से प्रेम है, तुमको लगता है कि वो लड़की किसी और से भी प्रेम करती है, या किसी, या मैं चीट हो रहा हूँ, या ऐसा हो रहा हूँ, या ऐसा हो रहा हूँ, ये तुमको ऐसा लग रहा हो? सर लाइक हम किसी के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, मतलब उसके लिए हम बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो हमेशा खुश रहे, उसके वो हेल्प करते हैं हर चीज़ में, बट उस बंदी या बंदे को रियलाइज़ ही नहीं होता है कि ठीक है यार, अगर नहीं करते तो फिर बोलते कि यार तू तो हेल्प ही नहीं करता है या कुछ नहीं करता है, अगर कर देते तो ठीक है, वेल एंड गुड। वो एक्नॉलेजमेंट का फैक्टर जिसे कह सकते हैं एक्नॉलेजमेंट। तो देखो ये जो पूरी जो हमारा, हम जो जिंदा लेते हैं, हम जो जिंदा होते हैं, जो जीवन में, ये पूरी यात्रा है सीखने की। तो आपको ये सीखने को मिला कि भाई किसी को कुछ भी करो लेकिन उसको कोई अभाव नहीं होता है, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं होता है, ये आपने सीखा इससे। और दूसरा, आप किसी के लिए कुछ नहीं, आप जो करते हो अपने लिए करते हो, आपको लगता है तो आप करते हो, आपको नहीं लगता है तो आप नहीं करते। आप किसी को प्यार दे रहे हो वो भी अपने लिए दे रहे हो, आप किसी से नफरत कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, वो भी आप अपने लिए कर रहे हो। और वही है जैसे हमको बता दिया गया कि तुम हिंदू हो, हिंदू हो गए और उसके नाम पे हम जो है जान देने के लिए तैयार हो, उसी तरह से हम जब पढ़े हुए तो हमको फिल्मों ने बता दिया कि ये लव होता है, हम लोग फिल्मों से ट्रेंड हुए हैं प्रेम के बारे में। और प्रेम एक्चुअली बहुत उल्टा चीज है, मेरे अंदर प्रेम भरा हुआ है, मेरे अंदर कुछ ओवरफ्लोइंग है और मैं वो किसी को देना चाहता हूँ, तो उसमें स्वीकार कर। तो आपको थैंक्सफुल होना चाहिए कि आपके अंदर से किसी ने कुछ स्वीकार किया, आपका प्रेम स्वीकार किया, वो रिजेक्ट भी कर सकता, बजाय उसके सोचने के कि उस बंदे ने क्या हमें एक्नॉलेजमेंट। तो हम लोग प्रेम के नाम पे बिजनेस करते हैं, जैसे हमारी बात में वही है ना कि हमने इतने किया बंदा को, बंदी ने इतना किया और ये किया वो किया, लेकिन उसको क्यों रिटर्न नहीं मिला इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि तुम भी खाली हो और वो बंदी भी खाली, क्योंकि बंदी भी यहीं की है इसी सोसाइटी की, तुम भी यहीं की हो, उसको भी बचपन से झूठा प्रेम लेने के लिए सिखाया गया, मेरा बच्चा, उसको झूठे प्यार की आदत। प्यार सबसे पहले तो खुद से, जब खुद से खूब प्यार होगा, जब ओवर फ्लोइंग होगा तो बहेगा, तो फिर बहेगा तो फिर आप दोगे ही सब, आप दो के फिर खाली होगे, फिर थैंक्स, जैसे बारिश थैंक्सफुल होता है पृथ्वी के लिए, तो जो गिरता है ऐसे हम बोलते हैं ना पृथ्वी हरी हो गई, लेकिन वो कितना पेन में है, वो बादल भरा हुआ है, हवा लग रही है, बरस जाता है, रिलीज हो जाता है। प्रेम दो और
देखो कितना हमको हल्का होना है प्रेम, वो क्यों लगता है कि उनको लगता है कि कुछ रिटर्न नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में ये है कि जितना दे रहे हैं उतना वापस नहीं आ रहा है। वही मैं बोल रहा हूं, और जब हम जब एक्चुअल प्रेम नहीं होता है ना, तभी हम उसके बीच में चीजें आती हैं, ये कर रहे हैं। सर मेरा ये कहने का मतलब है ना कि मैं ये नहीं सोचता कि रिटर्न में क्या आ रहा है, लेकिन वो ना बाद में पर्सन एक तरह से क्या बोलते हैं टॉट मारता है ना यार, तू कुछ भी नहीं करता है। लाइक तुम प्रेम कहते नेकी कर और दरिया में डाल, ऐसे करके जब तुमको प्रेम किसी को तुमने दे दिया, तुम्हारे तुमसे प्रेम बह गया किसी, तो फिर ये बात ही नहीं आएगी कि उसने टॉन्ट मारा या उसने क्या किया, उसने ये किया उसने ये किया, ये बात ही नहीं आएगी। कहीं ना कहीं हमारे प्रेम में मिलावट है, हमारे प्रेम में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है, जो मैं बड़ा जितना आसानी से बोल रहा हूँ इतना आसान है नहीं, लेकिन वही ना, हम लोग सोसाइटी से पॉल्यूटेड, हमको सिखाया गया कि अरे हम तो इतना कर रहे हैं उधर से तो कुछ मिल ही नहीं रहा। प्रेम तो शुद्ध प्रेम तो बांटने के लिए, अब ये पेड़ हमको बांट रहा है, छांव दे रहा है, हरियाली दे रहा है, इसका साइलेंस देखो, अब ये थोड़ी बोलेगा कि हमने आदमी को इतना, तुम काट भी दोगे तो भी बगल से कोपले नहीं। पर जहां पे एक्सपेक्टेशन है तो वहाँ पे ऐसा होता है कि हमें ऐसा फील होता जिस है। मात्रा में एक्सपेक्टेशन होगा उसी मात्रा में फ्रस्ट्रेशन। ओके, आपने एक्सपेक्टेशन किया इसका मतलब आपके प्रेम में मिलावट है, आपके प्रेम में बिजनेस, आपके प्रेम में माइंड है कि मैं ये कर रहा हूँ तो उधर से रिटर्न आएगा, तो ये प्रेम नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले और एक चीज और, जैसा भी प्रेम है, जब आप बड़ा मिस्ट्री है जिस पे हम बात कर रहे हैं कि कोई लड़की आपको पसंद आती है, आपको कोई लड़की पसंद करती है, इस दुनिया का सबसे मिस्ट्री वाला चीज़ है। नहीं तो आप बगैर प्रेम के आपके आसपास इतने सारे लड़के लड़कियां होंगे, आप किसी से तो प्रेम नहीं कर बैठते हो, कोई खास होता है जिसके प्रति आप अट्रैक्ट होते हैं। और सबसे ज़्यादा जीवन में सीखने की संभावना वहीं सिर्फ और सिर्फ प्रेम, क्योंकि आपको टूटना पड़ता है, आपको झुकना पड़ता है, आपको अपने तमाम आपको अपने तमाम जो प्रॉब्लम हैं वो सब आपको देखना पड़ता है, इनकाउंटर करना पड़ता है। इसलिए सबसे ज़्यादा सीखना प्रेम में ही पड़ता है। आप ये नहीं कह पाओगे कि नहीं ये लड़की ऐसी ही है, और प्रेम में कहते दोनों सही होता है, आप भी सही होते हैं वो भी सही होते हैं। प्रेम और ये सब, ये तमाम चीज़ें जो हम प्रेम बोलते हैं ये करते हैं, ये सब ग्रोथ के लिए है, हमारे ग्रोथ के लिए, हमको सिखाएगा बताएगा। आपके चाहे ना चाहे प्रेम आपके बस में नहीं होता है, आप प्रेम के बस में होते, आप कुछ नहीं कर सकते ऐसा, बाकी तो प्रेम के नाम पे फिल्में चल रही है। अभी जैसे मैं बता रहा था ना, कुछ दिन पहले हम लोग इसी चीज पे बात कर रहे थे, अटैचमेंट है तो ना, मतलब सॉरी एक्सपेक्टेशन। तो मुझे क्या लगता है, हमेशा ना लाइफ में एक्सपेक्टेशन लो रखनी चाहिए किसी चीज़ से, किसी चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशन जो है वो लो रखो, अपने लिए एक्सपेक्टेशन हाई रखो कि अच्छा मेरे लाइफ में बहुत बड़ा करना है, ये अपने लिए अच्छा रखो। नहीं, ये जो से जो जो ऑब्जेक्ट्स है, ये जो तुम बोल रहे हो ना कि एक्सपेक्टेशन लो रखो और एक्सपेक्टेशन हाई रखो, ये बड़ा किताबी बात है, ऐसा होता नहीं। ट्रेन में भी सफ़र करते हुए लोग मिल जाते हैं, बातचीत होती है, तो लगता है कि उतरते हुए उसने खिड़की से हाय तक नहीं बोला। वो आप वो करते नहीं है, वो हो जाता है। और ये हमारे अपने भीतर के खालीपन को दर्शाता है। अटैचमेंट का मतलब है कि आप अंदर खाली हो, चाहे वो सामान से हो, चाहे वो लोगों से हो, चाहे वो किसी भी चीज से हो, ये आपको बताता है कि भीतर आप खाली हो, और आप जो दिखा रहे हो वो बिल्कुल झूठ है, झूठ की दीवार। हम छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, एक छोटा बच्चा को इतना ये तुम हिंदू, तुम वो फलाना, तुम ये पूजा, ये पाठ, ये चाचा, ये भतीजा, उसको समझ नहीं आता हो क्या कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो फिर ना वो ना फिर उसको बोलता है कि चाचा हूँ, तो वो बोलता है मैं मामा हूँ, मैं मम्मी हूँ। तो फिर ना उसको ना एक मैकेनिकल वो रिएक्शन करता है हर चीज। टीचर बोलता है जानता हूँ, कुछ नहीं पता है, सन्नाटे में प्रेम करते हूँ, मुझे लाइक करते हूँ, वो सब हमारा
एक्चुअल बीइंग से नहीं आया, इसीलिए वहां पे इतनी सारी प्रॉब्लम कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ प्रेम में ही सीखा जा सकता है, और किसी भी चीज, कोई विश्वविद्यालय नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, प्रेम जितना आपको सिखाएगा उतना, किताब तो खैर ऐसे ही है तो मतलब इतना सुंदर जो हमारा प्रेम का तंतु है उसको सिर्फ आप लोडेड करते हो, ऐसे और कुछ भी नहीं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।